Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. Hello and welcome. You are watching this video on the YouTube channel of IndianExpress.com and Jansatta.com. This is a special video because the major thing is happening in Kashmir. कल रात को जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लीडर है वहाँ के पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती एंड ऑल्सो नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ उमर अब्दुल्ला उन्हें अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. एंड दिस डेवलपमेंट केम आवर्स आफ्टर द ऑल पार्टी मीटिंग दैट हैपेंड इन श्रीनगर, यहाँ पे जिस मीटिंग को फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सरदार गोविंद सब ने अटेंड किया था. एंड बेसिकली दिस हैपेंड अमिड द अनसर्टेनिटी ओवर द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल फोर्सेज इन कश्मीर. और जो जुलाई 27 को बेसिकली 10,000 एडिशनल फोर्सेस को कश्मीर में डिप्लॉय किया गया था, उसके बाद से कन्फ्यूज़न का स्टेट वहाँ पे क्रिएट हो गया है. उसके बाद फिर चार दिन के बाद ऑन फ्राइडे अमरनाथ यात्रा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो हिंदू रिलीजन के लोग वहाँ पे जाते हैं सावन के महीने में, उस यात्रा को बीच में ही कैंसिल कर दिया गया. इससे कन्फ्यूज़न और क्रिएट हो गया. एंड देन जो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके लीव्स को भी कैंसिल कर दिया गया है. तो एक पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन वहाँ पे अभी फ़िलहाल कश्मीर में है. मैं आपके कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार हमारे ट्विटर फीड की तरफ आए. रात को उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जो अंडर हाउस अरेस्ट होने के बाद जिस तरीके ट्वीट्स किए हैं, वाले आई बिन फोकस ऑन कश्मीर, आई मस्ट एड टू वर्क फॉर पीपल इन कश्मीर, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज स्टोर और स्टेट बट इट डजंट लुक गुड, violence will only play into the hands of those who do not have the best interest of state in mind, this wasn't india J&K acceded to but I am not. So basically ek tarike se wahan pe confusion is cheez ko bhi ko lekar ke hai ki kahin sarkar jo hai article 35a jo ki permanent resident ko define karti hai kashmir mein, kahin uske sath chhedchhad ya usko repeal na kare. Even article 370 jo ki इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसको भी रिपील करने की बात है. क्योंकि कुछ ही दिनों पहले राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि आर्टिकल 370 और ये सब एक टेम्प्ररी प्रोविज़न है और ये माना जा रहा था कि 15 अगस्त से पहले इंडिपेंडेंस, ऐसा सोचना है वहाँ पर लोगों का कि शायद उस चीज़ को रिपील कर दे. आज करीब 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी है जिसमें अमित शाह लोग मिनिस्टर्स को एड्रेस करेंगे और ये माना जा रहा है कि ये कश्मीर के मुद्दे को ही उठाएंगे वहाँ पे. इसके अलावा अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन कश्मीर में ये है कि वहाँ पे इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है, लैंडलाइन सर्विसेज हैज़ बीन सस्पेंडेड. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. और अब बात करेंगे हमारे न्यूज़पेपर में आज का जो रिपोर्ट्स हैं. सो दिस इज़ द थिंग, कैबिनेट टुडे, शाह अमित शाह टॉप ऑफिशियल्स टू होल्ड टॉक्स. This is regarding the cabinet meeting that I just spoke about. And then again, Srinagar here's midnight talk, Omar Mufti under internet snap, jaisa maine kaha aapko. So these are all the stories. Let's talk about other major developments throughout the country. एक न्यूज़ वेस्ट इंडीज़ से भी आई है कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके सेकेंड T20 में जो तीन मैच का सीरीज था उसे 2-0 से लीड कर रहे हैं. उसके अलावा CSR के ऊपर जो है जो फाइन लगाने की बात की थी उसके ऊपर हमारे संदीप सिंह का एक डिटेल रिपोर्ट है दैट आई थिंक वी ऑल शुड रीड. पॉन्जी स्कैम में IMA फाउंडर ने हैव केप्ट प्राइस रिकॉर्ड्स, देन देयर इज अ रिपोर्ट ऑन NRC एंड ऑल. और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसकी एक मीटिंग August 10 को होने वाली है. और इसी बीच मिलिंद द्योरा जो है उन्होंने सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज किया है. आपको बताइए कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया था एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट. सो हु टू इट टेक्स ओवर एज अ चीफ ऑफ द कांग्रेस विल हैव टू वेट एंड सी. सो दीज वर द मेजर डेवलपमेंट टुडे. स्टे ट्यून्ड टू IndianExpress.com फॉर मोर न्यूज़ अपडेट.